नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने कोई भी नॉर्मल गाना है उसके अंदर आप डीजे इफेक्ट डालना चाहते हो, यानी कि अगर ड्रम इफेक्ट डालना चाहते हो, जो बेस इफेक्ट होते हैं वो अगर आप डालना चाहते हो, जैसे धमक जो होती है गाने के अंदर, अगर आप वो डालना चाहते हो तो कैसे डाल सकते हो, वही आज के इस वीडियो में आपको लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, तो वहीं से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। सो जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, इस तरीके से ओपन होगा। फिर यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। एक्सेप्ट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ड्रम इफेक्ट। तो अभी चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ एक एक करके, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर कुछ मैंने आपको यहाँ पर प्ले करके दिखाया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी इसमें बजा सकते हो। अभी आपको मैं समझा देता हूँ इसमें आप कैसे बजा सकते हो। चार इसके आपको देखने के लिए मिलेंगे कलर, चार इसके, चार इसके, चार इसके, चार इसके, तो इस तरीके से सबके चार चार मिलते हैं। आप सब में से एक एक बजा सकते हो, एक से ज़्यादा आप एक कलर का नहीं बजा सकते हो। एक बार इसे बजा सकते हो, फिर एक ये, एक ये, एक ये, तो इसमें आप मिक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। रिमिक्स करके इनको मिक्स करके उसके बाद इसे आप एक निकाल सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इसका। आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद जो भी गाना आपका है नॉर्मल गाना है उसके अंदर आप ये सब मिक्स कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम गाना दूसरा गाना मिक्स करते हैं उसी तरीके से आपको इसे भी उसके अंदर मिक्स कर देना है। उसके बाद इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इफेक्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इफेक्ट की तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से, इससे अगर आप जो व्हाइट कलर है इससे अगर आप जिस तरह पर जाओगे उस हिसाब से यहाँ पर बजेंगे आपको। I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. तो इस तरीके से यहाँ पर आप बजा सकते हो इसे, और आप रिमिक्स एक तरीके से बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे परमिशन मांगेगा, परमिशन दे दोगे। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर आप जो भी आप करोगे वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा आपका। रिकॉर्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने फाइल का नाम डाल देना है जिसमें कि आपको ढूंढने में आसानी हो इसे, अगर आप जहाँ पर भी इसे मिक्स करने वाले हो। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख देना, उसके बाद यहाँ से उठाना वही चीज़ आपको वहाँ पर लिखना होगा, तो आपको आसानी से फाइल मिल जाएगी देखने के लिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके।